नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के एक कुख्यात फरार सटोरी को क्राइम ब्रांच पुलिस ने घेराबंदी कर सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। 3 महीने से फरार चल रहे कुख्यात सटोरी दिलीप खत्री के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है, जहां इस संबंध में सीएसपी कोतवाली प्रभात शुक्ला ने बताया कि आरोपी दिलीप खत्री के द्वारा लंबे समय से शहर में ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टे का कारोबार किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध ओमती, घोलपुर, लाडगंज, हनुमानताल, कोतवाली थाने में मामले दर्ज है। वहीं दिलीप खत्री विगत 3 महीने से फरार चल रहा था, उसके साथ के गुर्गे पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि दिलीप खत्री सिविल लाइन क्षेत्र में कार से घूम रहा है, जहां सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर सिविल लाइन क्षेत्र से दिलीप खत्री को कार से घूमते हुए गिरफ्तार किया। वहीं दिलीप खत्री के बैंक में 12 अकाउंट थे, जिसे सीज कर 16 लाख रुपए जब्त किए गए। वहीं पुलिस के द्वारा आदर्श नगर में आरोपी के आलिशान 3 करोड़ के बंगले को भी जमींदोज किया गया है, जहां आरोपी दिलीप खत्री से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। दिलीप खत्री ऑनलाइन सट्टा खिलाता है और इस बात की सूचना थी, जिससे उसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक मामले कायम थे। कोतवाली, लाडगंज, गोहलपुर और उमती, इन थानों में उनके मामले पंजीबद्ध करके लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। 3 महीने से फरार चल रहे थे, इनके संबंध में लगातार टीमें लगाई गई थी। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली तो आज उन्हें रास्ते से पकड़ा गया है और पकड़ के पूछताछ की जाकर उनके बैंक खाते सीज कराए जाकर 16 लाख रुपये सीज करा दिए गए हैं। मामले में भी और पूछताछ चल रही है, कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी इनके 1-3 मंजिला मकान को जमींदोज कराया जा चुका है और भी जो प्रॉपर्टी की जानकारी निकाली जाए, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।